हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय करीमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों का आज कॉन्टिन्यूटी जो टॉपिक चल रहा था यूनिट 2 का, तो उसका आज हम लोगों की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे यूनिट 3। तो आइए देखते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x log sin स्क्वायर x फॉर x इज नॉट इक्वल टू 0, fx इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है इस फंक्शन की। ठीक है, एक बार x इज इक्वल टू 0 पे और x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू x इज नॉट इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि लिमिट x टेंड्स टू c पे fx इज इक्वल टू ये फंक्शन लिख दिया, लिमिट x टेंड्स टू c पे। अब अगर हमने लिमिट यहाँ पे पुट कर दी तो फंक्शन क्या बन गया, c log sin स्क्वायर c, इसको आप क्या लिख सकते हो, fc। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, और ये सारे रियल नंबर्स के लिए जो c है, c बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है C एक नंबर है या एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को। तो मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑल रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो देख यहाँ पे था ना C इज नॉट इक्वल, जैसे यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन जब हमने x की जगह C पुट किया तो यहाँ हो गया C इज नॉट इक्वल टू 0। तो C इज नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है क्या है, कॉन्टिन्यूस है और रियल नंबर्स के लिए। अब अगर हम x इक्वल टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो f 0 इज इक्वल टू 0 गिवन है क्वेश्चन में। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, x की जगह 0 है तो 0 माइनस h, तो फंक्शन में ये जो फंक्शन गिवन है इसमें x की जगह माइनस h पुट कर दीजिए, कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे h की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन log 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा। जब h की जगह आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, और जब 0 आ जाएगा तो log 0 बन जाएगा, और log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो ये कौन सी फॉर्म आ जाएगी, 0 इंटू इनफाइनाइट की। 0 इंटू इनफाइनाइट कैसी है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है तो वहां पे हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन, ऊपर और नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको इस तरह का बनाने के लिए न्यूमरेटर में भी कुछ लिखा हो, डिनोमिनेटर में भी कुछ लिखा हो, इसको इस तरह की फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया कि 1/s से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो देखिए इस वाले h तो s से कट गया, यहाँ पे 1/h। ठीक है, तो अब फंक्शन हमारा ये आ गया। अब हमने ऊपर log sin स्क्वायर h को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, log x इज इक्वल टू होता है 1/h, तो आ जाएगा 1/sin स्क्वायर h। फिर साइन स्क्वायर एच को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2sinh cosh। ठीक है, अब ये 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x2, तो -1/h2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो साइन स्क्वायर है ये अपॉन में है, तो एक साइन से साइन कट जाएगा, एच स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, -2h2। तो देखिए ये हमने रफ में कर दिया, तो साइन से साइन कट गया 2h2, और ये कॉस जो ये साइन अपॉन कॉस, तो मतलब नीचे हम क्या लिख सकते हैं, टेन एच लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए अगर यहाँ पे एच की जगह आप जीरो पुट करोगे तो टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, और ऊपर एच की जगह जीरो पुट करोगे तो मतलब 0/0 की फॉर्म, ये भी क्या होती है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। तो हम अगेन इसमें क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल जब रूल लगाएंगे तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2h2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बन जाएगा 4h, tan h का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर h। अब देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sec 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1।
मतलब सेल जीरो की भी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो यहाँ पे जब एच की जगह पे जीरो रखोगे तो वैल्यू वन मिलेगी, लेकिन ऊपर माइनस फोर इंटू जीरो है तो जीरो आएगा। तो जीरो को किसी चीज से भी आप डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, ऐसे ही सेम यही चीज राइट हैंड लिमिट में लगना है, बस वहां पे माइनस एच की जगह प्लस एच आ जाएगा। लेकिन वहां पे क्या होगा, जब नीचे वाला टर्म अगेन वो करोगे डिफरेंशिएट वन अपॉन एच को, तो माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम यही चीज आपको मिल जाएगी, और जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। इस सबकी वैल्यू क्या है, जीरो है। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फटाफट ये कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वही हमारा इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स लिखा हुआ है कि स्क्वायर ब्रैकेट में, इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। हमको ये दिखाना है कि एक्स इज इक्वल टू वन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये क्या होता है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये होता क्या है, जब हम रियल नंबर पे फंक्शन लगाते हैं तो हमको रियल नंबर मिलता है। और एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए ये साइन होता है एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और फिर ये कंडीशंस होती हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन, एक्स इज इक्वल टू वन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन टू। ठीक है, तो अब हम इस कंडीशन को यूज करके इसको प्रूफ करेंगे। तो एफ वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे वन रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। ठीक है, तो ये तो वन मिल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या रखेंगे, क्योंकि हमें एक्स इज इक्वल टू वन पे चेक करना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे वन माइनस एच। अब फंक्शन में भी केवल एक्स ही लिखा है तो वन माइनस एच ही रहेगा। अब देखिए अगर इसमें एक्स की जगह पे वन माइनस एच रखो तो वन माइनस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन वन। तो इक्वल टू का साइन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जीरो के लिए। तो वन माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वन माइनस एच की वैल्यू हमने क्या लिखी, लिमिट एच टेंड टू जीरो पे जीरो। तो ये इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट पे वन प्लस एच लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पे। अब वन प्लस एच, अब ये वाला आप ले लो, ये वाला, ठीक है। अब इसमें एक्स की जगह वन प्लस एच रखिए तो क्या आएगा, वन प्लस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन लेस देन टू। तो इक्वल टू वन किस में आ रहा है, इक्वल टू का साइन किस में आ रहा है, वन के लिए। तो वन प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, एच टेंड्स टू जीरो पे वन होती है। तो क्या आंसर मिला, वन। तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट मिली जीरो, राइट हैंड लिमिट मिली वन, जो कि इक्वल नहीं। तो इस देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो अगर ये वाला क्वेश्चन करना है तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता होना चाहिए, ये रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है। ठीक है, तो आज आपकी ये यूनिट टू फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट थ्री डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।